नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ई मित्रा सोल्यूशन पर और मैं हूं गणेश ओझा। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि ई मित्रा के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी आ रही है। राजस्थान सरकार ने एक बहुत बड़ी योजना और चलाई है और उस योजना का लाभ किन किन को मिलने वाला है और क्या है वो योजना, इसके बारे में कंप्लीट जानकारी आपको देने वाला हूँ। तो बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ में। यदि वीडियो आपको पसंद आ जाता है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना नहीं भूलना और साथ में कमेंट बॉक्स में कमेंट भी लिखना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। दोस्तों इसी के साथ में यदि आप चैनल के ऊपर नए आए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबा लेना ताकि आपको आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों राजस्थान सरकार ने एक योजना चलाई है, वो है स्वास्थ्य बीमा योजना के बारे में ही। चिरंजीवी योजना की तरह ही ये योजना है और ये नई योजना है। ये इसमें कौन कौन से लोग भाग लेंगे और किन किन को इसका लाभ मिलने वाला है, इसके बारे में हम जानकारी ले लेते हैं। तो दोस्तों इसमें मैं आपको बता देता हूँ, आमजन के बाद अब राज्य में मंत्रियों, मौजूदा व पूर्व विधायकों तथा सभी मौजूदा व पूर्व अधिकारियों कर्मचारियों को कैशलेस सुविधा के लिए नई राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम लागू की गई है। इस दायरे में स्वायत्त तथा सी संस्थाओं, बोर्ड निगमों के मौजूद कर्मचारियों और पेंशनरों को भी लिया गया है। अंशदान पर सरकार ने खुलासा नहीं किया है, लेकिन योजना के लिए 10 अप्रैल से पंजीयन शुरू हो जाएगा। यानी आज 11 तारीख हो चुकी है, कल 10 तारीख थे, तो 10 तारीख से इसका पंजीयन है जो शुरू हो चुका है, लेकिन अभी इसका नई गाइडलाइन अभी तक नहीं आई है। सभी को 30 अप्रैल से पहले पंजीयन कराना होगा। दोस्तों इसके अंदर क्या है कि जो भी सरकारी कर्मचारी है या जो भी MLA MP है उनको सम्मिलित किया गया है। इसमें भी 5 लाख रुपये तक का सभी को बीमा योजना में लाभ मिलेगा। तो मेरे पास में एक PDF है, उसमें भी हम जान लेते हैं। इसमें लिखा है द गवर्नमेंट गवर्नर इज प्लीज टू इंट्रोड्यूस ए कैशलेस हेल्थ बेनिफिट स्कीम हियर इन आफ्टर रेफर्ड एज राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम RGHS यानी राजस्थान गवर्नमेंट स्वास्थ्य बीमा योजना। तो इसमें किस किस को शामिल किया गया है, यहाँ पर स्पष्ट रूप से इसके अंदर लिखा गया है। इसमें लिखा गया है कि द स्कीम विल कवर कंपलसरी द मिनिस्टर्स ऑल इंडिया सर्विसेज ऑफिसर्स, यानी इसमें मिनिस्टर को, ऑल इंडिया सर्विस ऑफिसर्स को, MLA को, XMLA को, सर्विसिंग और रिटायर्ड जुडिशियल ऑफिसर्स, सर्विंग गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, यानी इसमें सरकारी कर्मचारियों को भी सम्मिलित किया गया है। वेदर कवर्ड अंडर ओल्ड और न्यू पेंशन स्कीम, यानी जिनको सरकारी पेंशन मिलती है नई या पुरानी रूप में भी, तो उनको सभी को शामिल किया गया है, उनको भी इस योजना के अंदर लाभ दिया जाएगा। ये एक बहुत बड़ी योजना है सरकार की और सभी को इसमें लाभ मिलने वाला है। 10 अप्रैल से इसका रजिस्ट्रेशन है वो शुरू हो गया और 30 अप्रैल इसकी लास्ट है तारीख। तो इसमें किस प्रकार से लोगों का रजिस्ट्रेशन होगा, इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो लेकर के जल्दी ही आ जाऊँगा। दोस्तों ये वीडियो मैं आपको इसी जानकारी के लिए दे रहा था कि राजस्थान सरकार ने एक योजना और चला दी है, राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना, जिसमें कि सरकारी कर्मचारियों को भी सम्मिलित किया गया है। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताना ताकि मैं इसके ऊपर आगे भी एक वीडियो बना सकूं। दोस्तों यही हमारे पास में जानकारी थी जो मैंने आपको दी है। यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना, साथ में कमेंट बॉक्स में कमेंट भी लिख देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को भी दबा लेना ताकि आपको आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।